नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक खूबसूरत सा बेबी बूट लाई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत जल्दी बनके तैयार होता है। बिगनर्स भी इसे आराम से बना सकते हैं और इसके लिए मैंने सिलाई में 40 फंदे डाले हैं और 10 नंबर की सिलाई से मैं बुनना शुरू कर रही हूँ। तो एक फंदा सीधा बुनेंगे और उन अपनी ओर करेंगे एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। इसी तरह सिंगल रिब में एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बुनते हुए मैंने पहली लाइन कंप्लीट कर ली है। अब ये बॉर्डर का दूसरा लाइन है, तो सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह मैं 12 लाइन बुनूंगी। एक लाइन सीधा और एक लाइन उल्टा यानी सिंगल रिब में मैंने 12 लाइन कंप्लीट कर लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चाहें तो इसे पतला या फिर चौड़ा बना सकते हैं। तो 12 लाइन कंप्लीट करने के बाद 13वें लाइन में हम डोरी डालने के लिए होल बनाएंगे। तो एक फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदे को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे, यानी दो का एक कर लिया। उन अपनी ओर करने से एक फंदा बढ़ जाएगा और दो का एक करने से एक फंदा घट जाएगा, यानी कि जितना हमारे पास फंदे हैं वापस उतने ही हो जाएंगे। तो उनको अपनी ओर करते जाएंगे और दो दो फंदों को एक साथ लेते हुए दो का एक करते जाएंगे सीधा बुनते हुए। उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदे को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदे को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे। इसी तरह करते हुए हम सारे फंदे बुन लेंगे। और लास्ट फंदा है तो उनको अपनी ओर करेंगे और इसे जाली देते हुए सीधा बना लेंगे, यानी एक फंदा हमारा यहाँ बढ़ गया। अब हम रॉन्ग साइड में है यानी 14वें लाइन में, तो हम इस लाइन में सभी फंदे उल्टे बनाएंगे और इसी लाइन में हम 6 फंदे बढ़ा लेंगे। अब एक यहाँ पे एक जाली देने से एक फंदा बढ़ चुका है और 6 फंदे और हम कहीं भी बढ़ा लेंगे जहाँ हमको ऐसे एक फंदा बुना, फिर इसी को घुमा के एक और फंदा बुन लेंगे तो ये हमारा एक फंदा बढ़ गया। फिर दो तीन फंदे बुनिए, फिर उसके बाद एक फंदा बुना, फिर इसी को घुमाकर इसी में एक और फंदा बुन लिया। तो हमारे एक यहाँ पे बढ़ा था पहला जाली से और दो फंदे बढ़ गए, यानी 3 फंदे बढ़ गए हैं और हमें टोटल 7 फंदे बढ़ाने हैं। तो ऐसे ही घुमा के एक में दो कर लिया, 4 फंदा बढ़ गया, बुना घुमाया और एक और उल्टा फंदा बना लिया, 5 फंदा बढ़ गया, अब ये फंदा है, इसमें ऐसे एक उल्टा फंदा बुनेंगे और फिर इसी में ऐसे घुमा के और एक और फंदा बना लेंगे, ये हमारा 6ठा फंदा बढ़ गया। फिर दो तीन फंदा बुनने के बाद फिर बुना घुमाया और इसी में एक और फंदा, ये हमारा 7वां फंदा बढ़ गया। और हमें 7 फंदे बढ़ाने थे, यानी कि जितने हमें चाहिए उतने फंदे बढ़ गए और बाकी फंदे उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे। 15वीं लाइन में हम 9 नंबर की सिलाई लगाएंगे और अपना सेकंड कलर
अटैच करेंगे। एक फंदा सीधा बनाएंगे, नेक्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर नेक्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, अगले तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, नेक्स्ट स्लिप करना है, फिर तीन फंदा सीधा, नेक्स्ट स्लिप करना है, तीन फंदा सीधा, चौथा फंदा स्लिप करना है, फिर तीन फंदा सीधा बुनना है और चौथे फंदे को स्लिप करना है। तो तीन फंदा सीधा बुनते हुए और चौथे फंदे को स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तीन फंदा सीधा बुना, चौथे फंदे को स्लिप किया, तीन फंदा सीधा बुना, चौथे फंदे को स्लिप किया और लास्ट फंदे को सीधा बुन लिया। अब ये हमारा रॉन्ग साइड है, तो पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे, सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और बुने हुए तीन फंदे उसे हम सीधा बुन लेंगे। उन अपनी ओर करेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और बुने हुए फंदे को सीधा बुन लेंगे। उन अपनी ओर करेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और बुने हुए फंदे को सीधा बुन लेंगे। उन अपनी ओर करेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और बुने हुए फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो रॉन्ग साइड में स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है और बुने हुए फंदे को सीधा बुनते हुए लाइन कंप्लीट करना है। बुने हुए फंदे को सीधा बुनते हुए और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करते हुए रॉन्ग साइड सभी फंदे बुने जा चुके हैं। और अब हम फिर सामने की तरफ हैं, तो अब हम अपने प्राइमरी कलर से बुनेंगे और तीन फंदा सीधा बुन लेंगे, एक दो तीन, और बुने हुए तीन फंदों में से बीच का फंदा यानी दूसरा फंदा हमें स्लिप करना है। और देखिए, ये फंदा हमने स्लिप किया था तो इस फंदे को, इसके दोनों साइड वाले फंदे को हमें सीधा बुनना है। बुने हुए फंदे का ये दूसरा फंदा है तो इसे हमें स्लिप करना है, और स्लिप किए हुए फंदे के दोनों साइड वाला फंदा और स्लिप किया हुआ फंदा, तीनों को हमें सीधा बुन लेना है। तो इस तरह तीन फंदा सीधा और चौथा फंदा स्लिप करना है, तीन फंदा सीधा बुनना है और चौथे फंदे को स्लिप करना है, तीन फंदे को सीधा बुनना है और चौथे फंदे को स्लिप करना है। स्लिप किया हुआ फंदा ये बुने हुए तीन फंदों में से बीच का फंदा होना चाहिए, और तीन फंदा जो बुनेंगे वो स्लिप किया हुआ फंदा और उसके दोनों साइड वाले, स्लिप किया हुआ फंदा उनके दोनों साइड वाले फंदे, इन्हें हम सीधा बुनेंगे। और रॉन्ग साइड में बुना हुआ फंदा सीधा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। बुना हुआ फंदा सीधा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। तो इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। बुने हुए फंदे को सीधा बुनते हुए और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लिया गया है।
अब हम फिर सामने की तरफ आ गए हैं, तो इसमें इस लाइन में हम वापस सेकेंडरी कलर से बुनाई करेंगे और पहले फंदे को सीधा बुनेंगे। ये बीच का फंदा है, बुने हुए फंदे में से ये बीच का फंदा है, तो इसे हमें स्लिप करना है। और देखिए ये स्लिप किया हुआ फंदा और दोनों साइड वाले फंदे, इन्हें हमें सीधा बुनना है। स्लिप करेंगे, तीन फंदा सीधा, चौथा फंदा स्लिप करना है। अब देखिए यही फंदा हमने स्लिप किया था, तो हमें वापस इसी फंदे को स्लिप करना है। तीन फंदा सीधा, पीले कलर में इस फंदे को स्लिप किया गया था, तो वापस इसी को स्लिप किया जाएगा और इन तीनों फंदों को, नेक्स्ट तीनों फंदों को सीधा बुना जाएगा। यहाँ देखिए इस फंदे को स्लिप किया गया है, यानी वापस इसी फंदे को स्लिप करना है। तो तीन फंदे को सीधा बुनते हुए, चौथे फंदे को स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और रॉन्ग साइड से बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे। बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर करेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर करेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। अब हम फिर सामने की तरफ हैं, तो अब हमें अपने प्राइमरी कलर से तीन फंदा सीधा बुनना होगा। तीन फंदा सीधा और चौथा फंदा स्लिप करेंगे। तो देखिए ये एक दो और तीन डिज़ाइन बन चुके हैं, या यूं कहिए एक और तीन, तीन डिज़ाइन बन चुके हैं। तो इस तरह हमें टोटल 15 डिज़ाइन बनाने हैं। तो 15 डिज़ाइन बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 15 डिज़ाइन बनके तैयार है। इसे ऐसे गिनेंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अगर ये 8 होगा तो ये फिर 7 ये होना चाहिए, ये फिर 7 होगा, तो 8 और 7, 15 हो गए। तो इस तरह ये 15 डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गए हैं। और अब हमें इस सेकेंडरी कलर का कोई काम नहीं है, तो इसे हम काट लेंगे। और प्राइमरी कलर से सभी फंदे सीधे बना लेंगे। इसे अगर हम लपेटते जाएं तो फिर हमें गांठ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे हमें ऐसे लपेटते जाना होगा। तो सभी फंदे हम सीधे बना लेंगे और रॉन्ग साइड से हम सारे फंदे उतार देंगे। तो दो फंदा बुनेंगे, पीछे वाला फंदा आगे वाले पे चढ़ा देंगे, और नेक्स्ट फंदा बुनेंगे, पीछे वाला फंदा आगे वाले पे चढ़ा देंगे, या फिर दोनों फंदे को बाईं सिलाई में ले लेंगे और दो दो फंदों को एक साथ लेके उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। बुने हुए फंदे को बाईं सिलाई में चढ़ाएंगे, एक और फंदे को ले लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बनाएंगे। नेक्स्ट फंदे को बाईं सिलाई में ले लेंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बना लेंगे। तो हमारे फंदे देखिए घटना शुरू हो गए हैं। तो इसी तरह करते हुए हम सारे फंदे घटा लेंगे और हम हाथ को नॉर्मल रखेंगे, ना हमें बहुत टाइट बनाना है ना ही बहुत लूज करना है। नॉर्मली हम देखिए
देखिए फ्रेंड्स, सारे फंदे उतार लिए गए हैं। अब हम धागे को थोड़ा लंबा काटेंगे और इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे और थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। और अब हमें इसकी सिलाई करनी है, तो इसे ऐसे उल्टा कर लेंगे। अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, बेबी बूट बनके तैयार है। आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।